बिल्कुल आपका इंतजार खत्म कर रहे हैं। संदीप जुड़ चुके हैं छुपा रुस्तम शेयर के साथ। संदीप भी अपने आप में छुपे रुस्तम ही है, बैठे रहते हैं कुर्सी पर, लेकिन ऐसे रिसर्च करके लाते हैं जो कि बेहतरीन रिसर्च होती है और आपको अच्छे शेयर्स भी मिल जाते हैं। तो संदीप आपकी तारीफ हुई, अब आज के शेयर्स। चलिए स्टॉक की तारीफ करते हैं, वो छुपे रुस्तम की तारीफ करते हैं। इनफैक्ट एक सेक्टर की तारीफ करता हूँ डिब्बे में, ऑटो एंसिलरी, जिसकी बात आपने थोड़ी देर पहले करी हुई थी। उस पे से एक स्टॉक हम लेके आए हैं, महिंद्रा सीआई। इस ग्रुप की भी तारीफ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप अपने आप में इज्जत काफी सम्मान वाला इस पूरा ही ग्रुप है। इनफैक्ट इस स्टॉक की बात करें, आज भी 5% के आसपास का मूव है। इसके पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। अगर आप इसके 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने 14% के आसपास की रिटर्न डिलीवर किए हैं। 6 महीने में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में करीब 15% के आसपास ही गेंस बने हैं, लेकिन ये पूरा साल अगर आप देखें, जिस एक साल में अगर आप देखें तो करीब करीब 52% के आसपास के रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, एक छुपा रुस्तम है, अच्छा ग्रुप है, अच्छा पेरेंटेज है, और स्टॉक ने देखिए 52% के आसपास की जो कमाई है वो निवेशकों को करके दी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और दूसरी बात फिर करने की कोशिश करेंगे, क्या संभावित वजह जिस वजह से तेजी देखने को मिली है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, ऑटो एंसिलरी स्पेस में इस कंपनी का ज्यादा कारोबार है। और इनफैक्ट आप इंडिया में देखें तो इस कंपनी के पास करीब करीब 20 प्लांट है। महिंद्रा ग्रुप और उसके साथ साथ सीआई, जो नाम आप देख रहे हैं, ये दोनों कंपनियों का विलय है, एक जेवी कंपनी है जिसके जरिए कंपनी ऑपरेट करती है। करीब 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इस कंपनी के पास कुल मिला के देखा जाए, और उसके जरिए ये भारत के समेत 15 देशों में उपकरण सप्लाई करती है। एक्सपोर्ट मार्केट में हम जानते हैं कि जो मार्जिन हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये नाम है जिसके साथ एक कंपनी जुड़ी हुई है, M&M को सप्लाई करती है। उसके अलावा टाटा मोटर्स, मारुति जैसे जो बड़े दिग्गज हैं उनको ये सप्लाई करती है। और बड़े दिग्गजों में अगर आप देखें, इनकी आय का जो हिस्सा है वो करीब 50% से ज़्यादा आपको नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, अच्छा पेरेंटेज है, अच्छी पकड़ है इसकी मार्केट्स में, अच्छे क्लाइंटेले है, और अब जो थीम है इस सेक्टर की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी उपकरण बनाना शुरू कर दिया है इस कंपनी ने, जो कि बाजार को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो एक संभावित वजह जिस वजह से शायद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। कुछ और तेजी की जो वजह है वो स्टॉक के लिए जानने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से स्टॉक में इस साल में ही 50% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। एक और अधिग्रहण करने की योजना है, पहले भी इस कंपनी ने अधिग्रहण किए हैं। इनऑर्गेनिक रूट के जरिए इस कंपनी ने अपने जो कारोबार है उसे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया है, अब भी अधिग्रहण की मंशा रखते हैं, शायद ये कारण है जिस वजह से तेजी देखने को मिली है। ह्यूंडई और किया मोटर्स, ये और दो नाम है जिनको जल्द सप्लाई शुरू कर सकती है। तो अच्छा क्लाइंटेले है, दो क्लाइंट्स और जोड़ने की योजना है, और हाल में इन्होंने एक एक्विजिशन किया था बिलफोर्ज, वो विलय पूरा हुआ, उसके बाद आप देखिए नतीजों में तेजी देखने को मिली है। और इस जो अधिग्रहण हुआ है उसके बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी इस कंपनी की योजना है। तो शायद बाजार उस चीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड है, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यूरोपियन मार्केट, जहां ज्यादातर एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडियन मार्केट से ऑटो एंसिलरी स्पेस में, वहां ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मार्जिन्स काफी अच्छे रहते हैं वहां पे। तो शायद इस चीज को भी कहीं ना कहीं स्टॉक ने बढ़ाने की कोशिश करी है, जिस वजह से इतने बड़े गेंस देखने को मिले हैं। और ये आपके सामने इसकी बैलेंस शीट है, ये आय आपके सामने है, किस तरह से आय जो कि 4 साल पहले करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की थी, वो बढ़कर देखिए 1800 करोड़ रुपए के आसपास हो गई, यानी कि करीब करीब 4 गुना के आसपास की बढ़त इनकी आय में देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा, अधिग्रहण के ऊपर इनका काफी फोकस है, तो उससे भी इनके जो कारोबार है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। और आपके सामने अब जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना अच्छी ग्रोथ वहां पे भी देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसी संभावित वजह है जिस वजह से एक स्ट्रांग पेरेंटेज वाली कंपनी, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी महिंद्रा सीआई, जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इसमें निवेश करने की बात कह रहे हैं, आप अपने निवेश सलाहकार से बातचीत कीजिए, इस कंपनी के बारे में पढ़िए, जानिए, उसके बाद ही कोई भी राय बनाइए। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी है जो कि लुधियाना से लेकर लंदन तक एक्सपोर्ट भी करती है, तो महिंद्रा सीआई, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 5%